हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में आज से लू चलने, और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। और आने वाले समय में देखा जाए तो 19 जून से एक मजबूत सक्रिय WD आने वाला है, उसके प्रभाव से राजस्थान के किन किन इलाकों में होने वाली हैं बारिश की गतिविधियां। साथ ही बात करेंगे राजस्थान के अंदर मानसून की दस्तक कब तक होने वाली है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल मौसम तक राजस्थान DRT को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक सर्कुलेशन वर्तमान में पश्चिम बंगाल उपमंडलीय क्षेत्र के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बिहार सिक्किम के कुछ इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। बाकी संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो इन क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के इलाकों की बात करें तो अगले 48 घंटों तक इन क्षेत्रों में लू के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विशेषतः बात करें तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर के इलाकों में लू चलने की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। एक अन्य सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास गुजरात के सटे अरब सागर के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से अरब सागरी शाखा से आने वाले नमी के प्रभाव से राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ इलाकों में, विशेषतः प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दूसरा तक देखा जाए इन क्षेत्रों में और सिरोही, राजसमंद के आसपास के इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आपको मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कई इलाकों में तेज बारिश की गतियां हो सकती हैं। हल्के बादलों का निर्माण पाकिस्तान व गुजरात से सटे इलाकों की बात करें तो बाड़मेर, छाचोर और जालोर के इलाकों में भी कहीं की हल्की बूंदाबांदी अगले 24 से 48 घंटों तक देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों की बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर के आसपास की लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का प्रभाव आज से हल्का तेज हुआ आता हुआ देखने को मिल सकता है। आने वाले समय की बात करें तो वर्तमान में मध्य भारत के आसपास बना एंटी साइक्लोन हल्का, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मध्य भारत की ओर खिसक चुका है, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में मानसून आगे बढ़ने की गतिविधियां जल्द शुरू हो सकती हैं। पहले ये एंटी साइक्लोन की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के आसपास तक बना हुआ था, परंतु वर्तमान में मध्य भारत के आसपास पहुंच चुका है और जल्दी आने वाले 24 से 48 घंटों तक देखा जाए तो खिसकता हुआ पश्चिमी की ओर बढ़ जाएगा और मानसूनी हवाओं का प्रभाव लगातार बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत से होते हुए उत्तर प्रदेश और हिमालय क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, जिसके कारण मानसून आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल नजर आ सकती हैं। आने वाले समय में देखा जाए तो 20 जून के आसपास एक मजबूत सक्रिय WD हिमालय क्षेत्रों के आसपास आने की संभावना है और अरब सागरी शाखा से आने वाली नमी के प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार तो तेज आंधी के साथ कहीं की तेज बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अंदर संभावित है। WD की बात करें तो 20 जून के आसपास उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, उसके बाद इसका प्रभाव शुरू होने की संभावना है और 22 जून के बाद राजस्थान के अंदर मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। इस बार मानसून उदयपुर संभाग या कोटा संभाग के आसपास के इलाकों से होते हुए एंट्री कर सकता है और मानसून के एंट्री के साथ साथ राजस्थान के अंदर बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी, क्योंकि जब तक मानसून एंट्री करेगा उस समय मानसून सक्रिय होने की संभावना है और कई इलाकों में जोरदार बारिश की गतिविधियां जून माह के अंतिम सप्ताह और जुलाई माह की शुरुआत में राजस्थान के अंदर जोरदार बारिश की गतिविधियां संभावित हैं। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।